हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। और अभी सुबह का टाइम है तो सुबह के ठीक 5 बज गया है। तो आज का जो व्लॉग है वो अर्ली मॉर्निंग से मैं शुरू कर रही हूँ। और मतलब मुझे एक हफ़्ता हो गया है कि मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। एक्चुअली क्या था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था और मैं थोड़ा सा ना आराम भी करना चाहती थी, इस वजह से जो है ना मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो फाइनली आज मंडे है तो मैं आज ही इसको मैं शूट कर रही हूँ और आज ही मैं अपलोड कर दूँगी। अच्छा, मैंने कल ना कपड़े वॉश किए थे शाम के टाइम, तो कल भी मैंने जो काम था काफ़ी लेट शुरू किया था, क्योंकि कल वही ऐसा हो लग रहा था कि आराम ही करते रहो, बैठे रहो, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। इसलिए जो कल का काम था मेरा बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, क्योंकि स्टार्ट ही मैंने काफ़ी लेट किया था इस वजह से। और फिर शाम को कपड़े वॉश किए थे, तो कुछ कपड़े ऐसे थे जो सूख चुके थे तो मैंने रात को ही उतार लिए थे, और कुछ कपड़े ऐसे थे जो नहीं सूखे थे वो मैंने बाहर मतलब अंदर रख दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रात को बारिश ना हो जाए। तो बाहर जो ग्रिल के पास जो कपड़े हैं ना वो मैंने उतार के रख दिए थे, नहीं तो फिर वो गीले हो जाते। और आरना की ड्रेस भी थी जो कि मैंने वॉश भी नहीं की थी, तो उसको मैंने कल वॉश किया था सारे कपड़े। तो अभी जो है वो कपड़े मैंने ना बाहर डाल दिया है, क्योंकि फिर ना गीले कपड़ों में ना स्मेल सी हो जाती है। तो धूप है नहीं और अभी भी बादल छाए हुए हैं, तो हवा में वो कपड़े सूख जाएंगे। और अब मैं किचन में आ गई हूँ तो काउंटर टॉप जो है ना क्लीन कर दिया है, उसके बाद जो है ना मैं झाड़ू लगाऊंगी। और आज आपके साथ मैं अपना 5 AM टू 8 AM तक का ही रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि उसके बाद जो है ना फिर आरना को मतलब रेडी वगैरह करना होता है, उसको ब्रेकफास्ट करवाना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। स्कूल के आने के मतलब उसको छोड़ने के आने के बाद भी काफ़ी काम हो जाते हैं। इस वजह से जो है ना मुझे सुबह के 8 बजे तक का ही जो है ना वो मैं शूट करूँगी, उसके आगे का नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि फिर मुझे ये जो वीडियो है ना आज ही एडिट करके आज ही अपलोड करनी है। इसलिए तो अभी ना सुबह का इतना टाइम है, तो अभी दूध भी नहीं आया है, तो बाहर जो बैग था वो अभी खाली था, मैंने चेक कर लिया था। तो बस मैंने अभी बाहर से झाड़ू लगाकर, और हाँ एक सामान आ गया था, वैसे दूध नहीं आया था, बट जो जैसे आलू प्याज होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो आ चुकी थी, तो वही जो है ना मैं अभी अंदर लेकर आऊँगी और फिर उसमें मैं चेक करूँगी क्या क्या है, क्योंकि रात को मैं सो गई थी जल्दी तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया होगा, और क्या ऑर्डर करा है वो मैं अभी चेक करती हूँ। तो अभी जो है झाड़ू है ना उसको मैं रख देती हूँ, उसके बाद आकर फिर मैं उसमें चेक करती हूँ कि क्या क्या है। जो अगर ऐसा लगेगा कि सब्जी बनानी है तो मैं अभी बना लूँगी, नहीं तो फिर मैं उसको दोपहर में ही बनाऊँगी, जब आरना को छोड़ कर आऊँगी या तब बनाऊँगी। तो अभी चेक कर रही हूँ, तो इसमें जो है ना इसमें है टमाटर और केले हैं, प्याज, टमाटर, आलू, भिंडी, तो ये सब्जियाँ थी, बाकी जो था ना नमकीन थी। तो चलिए फटाफट से इसको खोल कर फिर मैं इसको अरेंज कर देती हूँ। और जो सब्जियाँ हैं वो मैंने वॉश करके रख दी है, तो अब मैं आटा गूंद रही हूँ। वैसे ना आटा गूंदा हुआ थोड़ा सा रखा हुआ है, क्योंकि आरना के लिए भी मुझे लंच बनाना है, तो वो लंच में आलू का पराठा लेके जाएगी, और ना क्या कहते हैं ताज़े ताज़े आटे का ही मैं उसको बना कर देती हूँ। फिर जो रखा हुआ जो होता है ना वो थोड़ा सा ना जब जब हम उसकी रोटियां बनाते हैं या पराठा बनाते हैं तो हल्का सा ना काला काला सा बनता है, अगर हम तो खा लेंगे बट उस बच्चे को स्कूल में लेके जाना है वो अच्छा नहीं लगता, और ना ही मैं उसको देती हूँ। तो फ्रेश आटा ही मैंने उसके लिए गूंद लिया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी गूंद लिया है, क्योंकि दोपहर में रोटियाँ भी बनानी है इसलिए। और आलू जो है वो मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे, तो आलू है। और अभी मैं लंच वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी, पहले सोच रही थी कि भिंडी काट लेती हूँ, फिर सोचा कि नहीं
जब आरना को छोड़कर आएंगे, जब हम छोड़कर आएंगे तब मैं भिंडी काट के फटाफट से छोक दूंगी। आरना का जो लंच है वो मैंने बना दिया है, और जो बर्तन जो है ना उसको मैं लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़े से बर्तन है उसको मुझे साफ़ करने हैं। तो पहले मुझे टोकरी को खाली करना है, उसके बाद जो है ना फिर बर्तन को वॉश करूँगी, और अभी मेरा पोंछा भी रह गया है तो उसके बाद जो है ना फिर पोंछा लगाऊँगी। आज मंडे भी है तो मुझे नीचे मतलब जल चढ़ाने भी जाना है, मंदिर भी जाना है, और सुबह सुबह भी काफ़ी भीड़ हो जाती है क्योंकि सबके जो स्कूल है और जो ऑफिस है सब खुल चुका है ना, तो सब जल्दी उठ जाते हैं और फिर अपना वही जल्दी काम ख़त्म करके नहा कर और फिर पूजा करने के लिए चले जाते हैं, तो सुबह काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो मैं भी गई थी मतलब पोछे वगैरह लगाकर और नहा के ना, तब मैं गई थी पूजा करने के लिए, तो काफ़ी भीड़ थी नीचे, तो थोड़ा सा मतलब टाइम लगा मुझे। तो आज मैं ही गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं तुम चले जाओ, वो नहाए नहीं थे, और फिर थोड़ा सा लेट भी हो जाता है क्योंकि आरना को भी फिर मंदिर से आके मुझे उसको नहलाना भी था, रेडी भी करना था। अच्छा टाइम का कुछ जल्दी जल्दी से ऐसे बीत चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और मैं 5 बजे उठी थी और ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे घर का है ना अभी कुछ भी काम नहीं हुआ और देर पे देर हो रही है, ऐसा लगता है। अच्छा किस किस को लगता है मुझे बताइएगा। तो अभी दूध भी आ चुका है, काफ़ी लेट आया है दूध, तो उसको मैं अभी उबालने के लिए रख दूंगी जब, और उसके बाद जो है ना फिर मैं नहाने के लिए चले जाऊंगी। पूजा कर कर आ गई हूँ, और आते ही सबसे पहले मैंने आरना को नहलाया था, ब्रश इन्होंने करवा दिया था और दूध भी इन्होंने ही दे दिया था आरना को, क्योंकि मुझे नीचे बहुत लेट हो गया था मंदिर में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भीड़ हो रही थी काफ़ी, तो लाइन लग रही थी, इसलिए जो है ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। और देखो उसको मुझको मस्ती सूझती रहती है तो ऐसी करती है। और आज जो है ना इसका टेस्ट भी है, तो अब वैसे मैंने तैयारी करवा दी है इंग्लिश की, तो बस मैं उसको साथ साथ में सुनती भी जा रही थी, तो राइम्स सुना रही थी, राइम्स में है, राइम्स है और माई सेल्फ सुना जाएगा, राइटिंग में राइटिंग है, फोनिक साउंड है, तो ये सारी जो चीज़ें मैंने इसको करवा दी है। और ना जब बच्चों को पहले से ही करवा दिया जाए ना तो ईजी रहता है उसके लिए। और आरना वो स्कूल जा रही है, मैं उसको छोड़ने नहीं जा रही हूँ, आज इसके पापा ही जा रहे हैं, तो क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा काम भी है, तो फिर ये कह रहे थे कि ऐसा करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ, और अभी थोड़ा बहुत काम है घर के तो वो भी मैं निपटा लेती हूँ। और आरना कह रही थी मम्मा आप क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैंने बोला आज पापा छोड़ने जाएंगे, तो अभी कार से जाएंगे, ये बाइक से, अगर मैं मतलब बाइक से जा रही होती तो फिर मैं जाती, क्योंकि बाइक पर वो पीछे बैठती है तो थोड़ा सा डर सा लगा रहता है। अच्छा वो दोनों चले गए हैं, तो मैं अभी बेडरूम की जो चादर है उसको क्लीन कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मैसी सी हो जाती है, और आज जो है ना इसी वाले रूम में ही सोए थे क्योंकि मौसम जो था ना रात को काफ़ी ठीक हो गया था इसलिए। और मैं चाय का पानी भी रख कर आ गई हूँ, तो चाय उबल रही है जब तक वो आएंगे, और फिर हम दोनों चाय भी पी लेंगे। तो चादर मेरी सेट हो गई है अच्छे से, और हाँ मैंने आज फास्ट नहीं रखा है क्योंकि मैं फास्ट नहीं रख रही हूँ, और मुझे दवाई भी खानी होती है, फिर बीच बीच में मुझे कुछ लेना भी पड़ता है, इस वजह से जो है ना मैंने सावन के फास्ट नहीं रखे हैं। भगवान देख रहा है, उनको भी पता है कि मैंने क्यों नहीं रखे हैं, तो बस यही है। तो चलिए मेरी जो चाय है वो बन चुकी है, और नाश्ता भी जो है ना ये लेकर आ गए थे, आलू पूड़ी उनको दिख गया था रास्ते में, तो कह रहे थे मुझे खुशबू अच्छी आ रही थी तो ये लेकर आ गए,
तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट और हम कर रहे हैं अभी नाश्ता कर लेते हैं और आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।